देखिए फ्रेंड्स, ये जूम करके दिखाते हूँ, ये है मंदिर और ये छोटा सा इस तरह के दिखता है यहाँ पर घर के बाहर। नमस्कार, मैं सुकांति, सुकांति के किचन में आप लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होना भी चाहिए। सभी का परिवार में खुशियाँ भरा हर रोज खुशियाँ पल आए और सभी का जिंदगी में खुशियाँ खुशियाँ रहे। और मेरे आज मैं आप लोगों को छोटी सी अपडेट देने के लिए आई हूँ और मैं रेसिपी तो दे नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज सुकांति का किचन का ब्लॉग बनेगा, बना रही हूँ, बनेगा नहीं, ब्लॉग बना रही हूँ। और रेसिपी इसलिए दे नहीं पाती हूँ क्योंकि संभव नहीं हो पाता है यहाँ पर। मैं सभी जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी हो जाती हूँ, इसलिए मैं रेसिपी दिखा नहीं पाती हूँ। और रेसिपी बनाने के लिए ठंडे दिमाग की ज़रूरत होती है और सारे काम के साथ रेसिपी नहीं बना सकती हूँ, उससे क्या होता है कि गड़बड़ हो जाता है और मैं सही से समझा नहीं पाती हूँ, दिमाग और कहीं रहता है। और ब्लॉग में मैं ठीक रेसिपी पे मैं रेसिपी दे मतलब सही से बता नहीं पाती हूँ, इसलिए और मुझे पूरा काम को हैंडल करना पड़ता है घर का, और इसलिए मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और मैं शायद ये सुकांति का किचन का नाम चेंज करूंगी, सुकांति का किचन के का ब्लॉग रखूंगी, सुकांति का किचन का ब्लॉग सोच रही हूँ अभी। तो यहाँ पर रोज़ ब्लॉग आएगा और एक चैनल भी बनाया रखा है, वहाँ पर मेरी सुकांति के कहानी किस्से है, मेरे चैनल का नाम सुकांति की कहानी किस्से चैनल का नाम है, तो वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी जाकर। और दोबारा से बोल रही हूँ, मेरे चैनल का नाम सुकांति की कहानी किस्से मेरे न्यू चैनल का नाम है, वहाँ पर जाकर देखिए। और पहले भी शायद मैं ठीक से बताया नहीं बताया, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन घर में आ जाता है और काम को भी हैंडल करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाह रही हूँ आप लोगों से। और चलिए देर ना करते हुए मैं दिखाती हूँ घर के लोकेशन। और ये देखिए टूटू क्या कर रहा है, ये छोटा टूटू है, बॉल एक मिल गया तो वो खेल रहा है। और ये मेरा छोटा सा रूम है और ये छोटा सा बेड है, और मुझे ब्लॉग बनाने के भी टाइम नहीं मिलता है, और बना भी लेती हूँ तो एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, क्या करें, उसके लिए भी समय नहीं निकाल पाती हूँ, उसके लिए भी सॉरी। जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं करूँगी। और आप लोग मेरे ब्लॉग और रेसिपी देख ही नहीं रहे हैं, इसलिए भी मुझे मन नहीं करता है बनाने के लिए, मुझे उतना खास कुछ बनाने नहीं आता है। और ये रहा ड्राइंग रूम हॉल और डाइनिंग टेबल उस तरफ है, चलिए दिखाती हूँ, ये देखिए। और आज टूटू खाना नहीं खा रहा है, और ये किचन है, पास से दिखा देती हूँ। सुबह सुबह उठकर मैंने टिफिन के लिए खाना बना दिया, ये है किचन, और रोटी बनाकर दे दिया, और नाश्ते में आलू के पराठा बनाया है। और रेसिपी तो मैं बिल्कुल ही सूट नहीं कर पाती हूँ, ये ड्राइंग रूम है और डाइनिंग टेबल साथ में लगा हुआ है, और छोटी सी बालकनी है यहाँ पर। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, और जो न्यू व्यूअर्स मेरे से जुड़ रहे हैं उनको दिखा देती हूँ, ये देखिए सुंदर छत है और ये बालकनी है छोटा सा। अभी इसको सुखा रहे थोड़ा, रजाई वजाई को धूप आ रहा है आज बहुत दिन के बाद, थोड़ी जल्दी आ गया आज धूप। और ये देखिए वहाँ पर पार्क है बड़ा सा, वहाँ पर भी घूमने जाते हैं। और ये इस तरफ मंदिर बन रहा है, उधर बैक कैमरा से दिखाऊंगी तो आप लोगों को दिखेगा। फ्रेंड्स, ये जूम करके दिखाता हूँ, ये है मंदिर और ये छोटा सा इस तरह का दिखता है यहाँ पर घर के बाहर। ये छोटा सा बालकनी है हमारा, यहाँ पर पौधे लगा हुआ है काफी सारा है पौधे, ये देखिए।
सो फ्रेंड, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए, इसी तरह मैं छोटे छोटे ब्लॉग लाते रहूंगी सुकांति के किचन में भी। ये देखिए टूटू आ गया अभी बालकोनी में। ये देखिए टूटू से मिलिए, वो बात नहीं करेगा, आज बहुत गुस्से में है, खाना नहीं खा रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है। अभी खेलेगा बालकोनी में थोड़ा सा, ये आता है पता नहीं। चलो अंदर चलो टूटू, टूटू अंदर चलो, चलो बेटा। आ गया टूटू अंदर और ये खाना नहीं खा रहा है सुबह से ही, तो इसको खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ। और मैं अभी नाश्ता भी नहीं की हूँ तो नाश्ता करूँगी। और सुबह सुबह मैं आलू की पराठा बनाया था, वो खा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए आलू की पराठा बनाया था और ये मेरे लिए नाश्ता है और साथ में आलू गोभी की सब्जी। देखिए बहुत ही मज़ेदार सब्जी बना है बिना मिर्ची का और बिना गरम मसाला के। मेरे घर में बहुत हेल्दी खाना बनता है और मैं हेल्दी खाना ही रेसिपी बनाकर डालती हूँ। और इतने सारे बर्तन हो गया है, दीदी अभी गांव चली गई है तो ये दीदी आते हैं वो 11:30 बजे आएंगे, 11:30 बजे आएंगे और बर्तन धोएंगे और घर का सफाई करेंगे। और कितना अच्छा मटर आया है हरा हरा, और ये देसी टमाटर है जो कल लेके आई थी मैं। ये देखिए देसी टमाटर है और ये मटर है, देख लीजिए कितना ताज़ा ताज़ा मटर है। आज मैं इसको छिलूंगी बैठकर। ऐसे तो काफ़ी काम है घर में लेकिन सारे काम मैं नहीं दिखा सकती, जितना मेरे से संभव हो पाता है उतना मैं करती हूँ। तो अभी सुबह सुबह घर का सफाई नहीं हुआ है तो बिखरा बिखरा लग रहा है, इसको भी मैं डस्टिंग करूँगी सारे घर का। और ताज़ा ताज़ा फूल आता है हर हफ्ते, उसको भी पानी चेंज करना पड़ता है रोज, तो पानी चेंज करूँगी फूल का भी। और अभी टूटू शायद खाना खाएगा, इसको देखती हूँ खाना खाता है कि नहीं खाता है। आजा बेटा टूटू इधर आओ, आओ 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 तो खाना खा लो, आओ टूटू कम हियर, आजा आजा बेटा आजा आजा। ये क्या लगा रखा है, इधर आओ खाना खाओ करो, इधर इधर ये लो ये लो ये लो, खाओ खाओ चलो खाओ खाओ खाना खाओ। खाना नहीं खा रहा है ये लड़का, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। तो नो 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 बेटा नो नो, ये नोनू है बिल्लू है तो इसको अभी उस अपना सूखा खाना खा के आया है और टूटू का खाना खाने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए कितना नखरा करेगा टूटू आज, और 11 बजने वाला है अभी तक तो खाना नहीं खाया है फिर हंसी। टूटू खाना खा लो, खाना खा लो, आ जाओ टूटू अभी तो आ जाओ, जाओ जाओ। सुन ही नहीं रहे फ्रेंड्स आज ये बात, खाना बिल्कुल नहीं खा रहे, पता नहीं क्या करने वाला है। अभी खाना खाने लगा है टूटू और वो भी नीचे डाल दिया तो खाया, बर्तन में नहीं खाना उसको, बर्तन में बिल्कुल नहीं खाना है उसको। देख लीजिए ऐसे करता है रोज, सूखा खाना नीचे खाता है, क्या करे। सो फ्रेंड्स क्या बताएं, चलिए फ्रेंड्स रखती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, रेसिपी भी नहीं बना रही हूँ। और आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने किस कारण से नहीं बना पाती हूँ रेसिपी। बनाने के लिए ठंडे दिमाग चाहिए और हर काम एक साथ में करो, यहाँ पर कितनी जिम्मेवारी है इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ, सीधी सीधी बात है। और रोज़ रोज़ उसी रेसिपी दिखाने से भी अच्छा नहीं लगता है, एक ही रेसिपी नया नया बनाने के बनाऊंगी मैं जब फ्री हो जाऊंगी, तो अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। सो फ्रेंड्स चलिए, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है और मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो इसलिए भी परेशानी नहीं बता सकती हूँ। घर में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है इसलिए मन नहीं करता है, जब कोई काम दिल से ना करो तो अच्छी बनता नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना रही थी। और आज मैं फिर शुरू किया है बनाने के लिए, आई होप आप लोगों को आई होप आप लोग समझेंगे मुझे।
और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हो, तब तक के लिए बाय बाय। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। और